प्लांट अच्छा बनाया, ऐसा एक ही प्लांट है जी पूरे पूरे लद्दाख में, एक ही है, बाकी सब किसी कमरे में कुछ बना लिया टाइप है, प्लांट नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। सारा वेस्ट रेजिड्यू है। जूस निकालने के बाद जो जूस के बाद जो बचा ये सिर्फ थॉन्स निकल गया, जूस निकल गया। ये अब सेपरेट करेंगे हम, सीड्स निकालेंगे इसमें से। सीड निकालने का प्रोसेस क्या है सर? पंजाब में थ्रेशिंग करते हो ना, क्या एक मशीन होती है ना जो कि हस्क डी हस्किंग करती है, सेम यूज होता है डी हस्किंग। अगर ड्राई होने के बाद ड्राई पूरा ड्राई होना पड़ेगा ना, क्योंकि सी ऑफ द एंटायर माउंटेन जो सारा जो ग्रीन नज़र आ रहा है ना, मैक्सिमम जो ग्रीनरी आपको नज़र आती है ये सी बक्थान है। हाँ मैक्सिमम ओके। एंड जो नदी के दोनों तरफ जब आप एयर से आ रहे हैं, नदी के दोनों तरफ जो छोटे छोटे ग्रीन श्रब्स हैं, दैट इज ऑल्सो सी बक्थान। उगता ही ये है और कुछ नहीं उगता नेचुरली, और कुछ नहीं उगता। दीज आर पॉपुलर ट्रीज, पॉपुलर इट्स कॉल्ड पॉपुलर, सो दीज ग्रो। देन देयर इज दैट यूकेलिप्टस टाइप थिंग विच ग्रोज, सो दिस इज ऑल दैट हैपन्स आउट हियर। माउंटेन्स दैट साइड, माउंटेन्स बिहाइंड यू, अगेन सीवक्थान जंगल एट द बैक। व्हेन यू कम हियर यू फील पीसफुल, कंप्लीट पीस। आप काफी पीस को लाइक करते हैं। हां जैसे गोवा में, आई विल एक्सप्लेन टू यू। आपको नजर आ रहा है सीवक्थान, कम यू कम विद दिस लॉट। यहां से और आगे से और अंदर जंगल से पिकिंग होगी। कितनी आगे तक कह रहा है? जितनी आपकी इच्छा। इट इज फ्री फॉर यू टू, इट्स अ फॉरेस्ट है ना। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लेडीज, फार्मर्स विल गो इन टू द जंगल, एंड इट इज अ थॉर्नी जंगल, आई विल टेक यू इन एंड शो यू। ओके, तो कलेक्शन करके आएंगे, ट्रेज में आएंगे, तो हमारी ये येलो ट्रेज है 10 kg लॉट्स में, वो आएगा यहाँ पे, वेइंग होगी उसकी। जो बेरीज फिट है वो एक्सेप्ट होंगी, जो फिट नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। फिर अब अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। योर टूर इज ओवर, यू हैव टू गो। 10 kg का लॉट है ये, 10 kg का ट्रे है जिसमें बेरी अभी आई है। ये बेरीज, लीव्स, थॉर्न्स, इसमें कोई मिट्टी शिट्टी जो भी हो एक साथ ऐसे आता है, और ये हम ट्रेज में 10-10 kg के लॉट्स बनाते हैं। ईच ट्रे हैज गॉट 10 kg ओनली, 10 kg का लॉट है। एंड देन इट गोज, दिस इज द फर्स्ट रिसीविंग। आप देखिए इसमें कितनी सारी चीजें, अलग अलग चीजें, इट इज मिक्सड ना, इट इज कमिंग फ्रॉम फॉरेस्ट ना, इट हैज टू बी सेग्रीगेटेड। हाउ विल इट बी डन? दिस इज द प्रोसेस नोबडी इन द वर्ल्ड इज फॉलोइंग, आई विल से टू यू। दिस इज अ प्रोसेस विच वी हैव डेवलप्ड। अब आप देखेंगे वो वहां से गिराया जा रहा है, तो क्या हुआ, कुछ बेरीज जो खराब थी, डैमेज थी, उस पर चिपक गई, लीव्स चिपक गई, और वो पीछे फेंकी जा रही है। वो बैक पीछे पे देखिए कितना वेस्टेज हो रहा है, मोर देन 50% इज वेस्टेड इन ऑर्डर दैट यू गेट ओनली द बेस्ट। दीज आर नॉट डैमेज्ड, दीज आर द बेस्ट बेरीज विच हैव बीन सिलेक्टेड इन द फर्स्ट पार्ट। आपको स्लाइड्स वगैरह जो दिखाई थी मैंने पहले, दिस इज दैट पार्ट। दे आर सिंगिंग देयर ओन सॉन्ग, लोकल सॉन्ग है ना। तो ये अब आपका इनिशियल प्रोसेस हुआ, कोई नहीं फॉलो करता है, सिर्फ हम करते हैं और हम ही ने डेवलप किया है इसे। अब आप आगे आइए मेरे साथ। कलर, सो द कलर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर नॉट एडिंग कलर, वी आर नॉट एडिंग थिकनर, वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग बिकॉज वी आर कीपिंग इट नेचुरल। सो यू कम हियर नाउ, ओके, थोड़ा सा एक मिनट रोकिएगा। Now the berry came. ये वॉशिंग हो रही है, ये एक बारी वॉश होगा, और जो फ्लोट कर रहा है ना, जो फ्लोट कर रहा है वो सारा रिमूव होगा, ये सब रिमूव होगा।
रिमूव होके ये भी वेस्ट है हटेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा जो ओके है, उसके बाद फिर से वॉशिंग होगी और जो खराब है वो रिमूव होगा। द आफ्टर ऑल दैट एलिमिनेशन देर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ बेरी, अलग अलग रंग के बेरीज वहाँ पे। इसमें जो लीव्स हैं उससे क्या होता है, ये भी तो मिक्स हो जाती होगी। अब ये जो लीव्स हैं हाँ, इसकी इम्प्योरिटीज भी जाएंगी पल्प में, फिर वो फिल्ट्रेशन होगी। ओके फाइन, बिकॉज यू कैन नॉट एलिमिनेट 100% इन दिस स्टेज, सो देन इट दैट व्हेन इट गो हियर इट कम्स हियर टू विद द ग्लास एंड इट इज एलिमिनेटेड। आपने वेस्टेज देखी पीछे कितनी वेस्टेज हो रही है, कोई भी ऐसा नहीं। क्या करते हैं लोग, लाए बेरीज और सीधा इसमें डाल के बना दिया, प्रॉपर बेरीज यूज नहीं करते हैं लोग। अब ये देखिए, ये आया, ये बोलते हैं इसे पल्प, दिस इज द पल्प। अब इसमें देखिए कुछ इम्प्योरिटीज हैं, ये फिल्टर होंगी। अब मैं आप नहीं किया जा सकता, अब आप इसको टेस्ट करके देखिए, आप कंज्यूम नहीं कर सकते इसको। सर, पीपल हु आर सेलिंग पल्प, दे आर सेइंग बट दे नॉट सेलिंग दैट। कड़वा भी और खट्टा भी, हाँ कड़वा भी है खट्टा, कड़वा और खट्टा दोनों। देखिए ट्राई करिए, ये फ्रेश पल्प है, yes, sir, मोटा है, yes, sir, बट ये फिल्टर होगा ये सारे, देखो काला काला भी कुछ कुछ होता है इसमें, ये फिल्ट्रेशन के बाद ही आपका जूस मिलेगा और उसके बाद ये प्रोसेसिंग होगी जो हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद इट इज़ फिट फॉर हैविंग। तो इतना नहीं आसान कि जैसे लोग आजकल कर रहे हैं कि उन्होंने बेरीज ली, ट्राई करो, और लोगों ने बेरीज ली और सीधा पल्पिंग मशीन में डाल दिया, तो कितना गंद आ रहा होगा। ये प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या है ये। सी दिस इज वेरी वेरी खट्टा, यस सर, कम कम अराउंड नाउ। सब ने देखा सारा, सामने क्या है, सामने सीबक थॉन है, पीछे भी सीबक थॉन है। इस हमने पहली बारी देखी, छोटी सी बेर निकाल के हमने भी ट्राई किया, तो इस वक्त 2004 में यहाँ पे कोई नहीं होता था, ये प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह कुछ नहीं था यहाँ, किसी को सीबक थॉर्न के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या है सीबक थॉर्न, नोबडी न्यू। जो कुछ लोकल लोग थे इंटीरियर्स के गांव में, वो इसको सीज़न के वक्त खाते थे, कुछ लोगों ने अचार बना लिया, कुछ लोगों ने कुछ अपना ही घर में जूस बना के रख लिया जो एक दो महीने तीन महीने चल गया। लेकिन वहाँ एक खासियत थी, वो सारे उनके फेस पे ग्लो था, ग्लो पिंक कलर के थे वो सारे। हम में से 90% लोग पिंक नहीं हैं, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जीते हैं हम लोग, ग्रे कलर के हैं। इट्स अ न्यू कलर ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड, ग्रे। ग्रे इज द कलर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि पॉल्यूशन का कलर है। ओवर हियर देयर इज नो पॉल्यूशन, वी आर राइट नाउ एट 11,000 feet। दिस बेरी इज नेचुरल, वाइल्ड, ऑर्गेनिक। अभी आपने देखा कि हमने 60% से ज़्यादा जो ये अच्छी बेरी आपको नज़र आ रही है, जो आप झाड़ी से तोड़ के खा सकते हैं, उसमें से भी हमने 60% रिजेक्ट करी, क्योंकि प्रोसेस के टाइम में लाते आते ट्रे में डाल के ख़राब तो होता ही है, उसमें पत्ते भी हैं और थॉर्न्स भी हैं, इसलिए उसका नाम सीबक थॉर्न है। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बना, वो फर्स्ट प्रोसेस देखा है आपने सिर्फ आज। अब ये प्रॉपरली इसका एक प्रोसेस हमने डेवलप किया है, उससे वो पेटेंटेड प्रोसेस से जूस बनेगा और आपको बेस्ट इन द वर्ल्ड सी बकथॉर्न बायोसैश से मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर। देर आर मेनी पीपल नाउ हु हैव जंप्ड ऑन टू द बैंड वैगन, बट आई कैन टेल यू दिस इज द यूनिक ओनली
proper processing plant in entire Ladakh as of today. अब वो जो पिंक पिंक लोग हमें नजर आए गांव में, आप कल नहीं थे हमारे साथ, ऑल द सीनियर्स वर विद अस, और यहाँ पे जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिनसे हमने लिया है अभी सारा सामान, जिनके थ्रू हम लेते हैं और काम करते हैं यहाँ, वो हम रेट फिक्स नहीं करते हैं। उनको बताया गया कल कि अर्जुन जी डजंट फिक्स द रेट, वो हम जो रेट फिक्स करेंगे, उन्होंने बोला जो आप रेट फिक्स करोगे हम उसमें ले लेंगे आपसे, क्योंकि वो भी नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसके प्रॉफिट्स अगेन सब नीचे जाता है। कोविड के टाइम पे वो सारे कोविड वॉरियर्स थे, सिर्फ इस सोसाइटी के स्टोर्स खुले थे सारे लद्दाख में, एसेंशियल कमोडिटी सिर्फ इन लोगों ने सप्लाई की, बाकी सब कुछ बंद था। सो वी आर फ्रॉम द बिगिनिंग वर्किंग इन अ एथिकल नो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, सो दैट एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद अस फील्स द, ये जो उसको होली फ्रूट कहते हैं ना, दो सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स इज व्हाट वी हैव फॉर दिस फ्रूट। वी हैव प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड फीलिंग्स फॉर द फ्रूट, फॉर द पीपल हु ब्रिंग इट, फॉर द पीपल हु प्रोसेस इट, and we in turn like to give this in that same manner. It is not just to make money. You have seen 60% being thrown. I will tell you with great finality that we are the only people who follow this process, because it's too expensive for them to follow. Abhi I'll come back to the pink people again. कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ लोग अभी आप मिले हैं, 20 साल पहले भी वैसे ही नजर आ रहे थे, आज भी हमने कल उनकी एज पूछी, आपने आई थिंक रघु जी ने पूछी और आई थिंक गुरिंदर जी ने भी पूछी एज 49, लेकिन वो 20 साल पहले भी वही लग रहे थे, वैसे ही लग रहे, और आगे भी 20 साल बाद वैसे ही लगेंगे, provided you understand the law of karma, because ye sara kuch jo hai na sab jo aap material wealth accumulate karenge na wo to sab yahi reh jayega, but if you can proceed with respect for nature, with a proper way forward, associating with ethics, values, and do not compromise on that, then you will go far in life, in happiness. Why is Bhutan the richest country in the world with regard to happiness? क्योंकि उनके भी ethics और morals बिल्कुल straight forward है. Coming back to the villagers who are pink. हमारी curiosity वहाँ से शुरू हुई कि हम मिले लोगों से, 70 years old के हैं, कोई problem नहीं है, there is no dispensary, there is no hospital. In many areas you go around Ladakh, there you will not find a dispensary. You will not find a hospital, but you will not find a need for it, क्योंकि वहाँ बीमार नहीं हो रहे लोग, natural way में जीते हैं, natural चीज़ें खाते हैं, सेबक थॉर्न का यूज़ करते हैं, 70 years वालों के भी पेरेंट्स अभी भी फिट एंड फाइन और विदाउट वॉकिंग स्टिक हैं, नॉर्मल हेल्दी लाइफ, रिंकल्स भी कम हैं। कहने का मतलब ये है कि we have to graduate from grey to pink, and you can only do that if you use it regularly. Agar show off karne ke liye main sibakthon le raha hu ya le rahi hu usse nahi chalega. Regularly aap khud pehle istemal karo, when you become pink then people will want to use what you are using. I am not pink but I am getting there, hone wala hu pink, 4 din aur reh jaunga yahan to pink ho jaunga. एक कंटिन्यूसली 2 months आप यूज करो आप पिंक हो जाओगे. नाउ आई टेल यू सम मोर फैक्ट्स. जब हम यहाँ आए थे हमने विलेजर्स को देखा, हमने सोचा समझा, और पहले साल में इसी लोकेशन से, इसी प्लांट से, इसी लोकेशन से वी एक्सपोर्टेड
to USA in the thousands of tons. We collaborated with the Americans, we exported, but we realized ki hame khud ki finished product value addition karna zaruri hai yahan. So slowly we developed these products. We developed products for some Americans also. We developed our own products also. Humne sara ek range develop kiya. Lekin aaj ki date mein, we have the largest range in the world. And we have been recognized for that worldwide also. From this, you see this as a very small, simple plant, yes. But we follow the required process. Jo process follow, humne खुद डेवलप किया है 2004 में एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से. यूएस एफडीए में इस प्रोडक्ट का नाम हमने डलवाया ताकि ये एक्सपोर्ट हो सके और यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये आज पॉपुलर हम स्ट्रांग और फर्मली कह सकते हैं हमारी वजह से हुआ है और हम इसे प्रॉपर तरीके से इंडिया में भी पॉपुलर करने जा रहे हैं. कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी आई, ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि आप सोच भी नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो बोलते हैं कि अगर आप पहले बोलते थे कि अगर आप इसको तोड़ते हैं तो उसके साथ अगर कोई कीड़ा है जुड़ा हुआ तो वो भी तो हार्म होगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है और ये शायद ठीक नहीं है करना, राइट. तो एक साल कोई भी फसल नहीं हुई, दूसरे साल भी सम पीपल ट्राइड बट मेनली इट डिड नॉट हैपन. Then we took an audience with His Holiness the Dalai Lama. जो आप फोटोज देखते हैं Dalai Lama साहब की, he's in audience with my father out there. We took an audience with him to explain कि बायोसैश कर क्या रही है यहाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मिशन क्या है. क्या हम सिर्फ दो चार साल के लिए आके तोड़ फाड़ के एक्सप्लॉइट करके जाने वाले हैं या हम कुछ सस्टेनेबल तरीके से काम कर रहे हैं. आप नोटिस करेंगे ये जो एरिया है ना, इस ये सेबकथॉर्न का एरिया, इस पर बढ़ते जा रहा है. ये पार्ट पूरा क्लियर था, ये बढ़ते जा रहा है. सो द फॉरेस्ट इज ग्रोइंग, इट्स नॉट गोइंग डाउन, इट इज ग्रोइंग. सो वी शोड हिज होलीनेस द प्रोडक्ट्स वी मेक, द इनकम वी जनरेट फॉर लोकल पीपल. तीन हफ्ते में पूरे साल की इनकम जनरेट हो जाती है एक परिवार की. और उनको जो हमने प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करे और उन्होंने भी आई एम श्योर जांच पड़ताल की होगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, आप इसको करो. और उसके बाद देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक. काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, कोशिश करी है कि ये काम बढ़े एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम इट्स गुड फॉर द रीजन की और भी लोग करें, बट मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉपर वे से करें. So this is one part of that story which you heard. अब ये ऐसे ही popular नहीं हुआ. शुरुआत में जब हमें requirement थी कि लोग जाके जंगल से तोड़ के लेके आएँ, आपने कोशिश करी है तोड़ने की? yes, sir, yes, sir. कांटे लगे कि नहीं लगे? अब एक 750 ml की बॉटल में अगर 50% वेस्टेज है तो आपको डेढ़ किलो, एक थोड़ा सा देखो कितना टाइम लगता है आपको तोड़ने में. You will take the whole day. Yeah, you'll take you the whole day to break it. It's difficult. मुश्किल है. तो जब हम यहाँ आए 2004 में तो कोई है ही नहीं यहाँ. यहाँ बिजली नहीं होती थी. शाम को 6 बजे से 9 बजे आर्मी का जनरेटर ले सिटी को पावर करता था 6 से 9 और सुबह 6 से 8. That's all. अगर जनरेटर ब्रेकडाउन हो गया तो बिजली गई. तो इस सिचुएशन में अगर हमें थाउजेंड्स ऑफ टन्स को कलेक्ट करना है, कैसे करेंगे हम जब लोगों को पता ही नहीं है इसकी सेबकथॉर्न क्या है? व्हाट इज सेबकथॉर्न? नोबडी नोज. सो वी स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग ऑन ऑल इंडिया रेडियो. वी कॉल्ड फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, वी कॉल्ड द हेड्स फ्रॉम द पंचायत, उनको हमने बुलाया, एडवर्टाइज दिया, रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं आए. फिर हमने फिर से एडवर्टाइज किया और कहा कि यहाँ पे एक फंक्शन होगा, एक खाना होगा, आपके आने जाने का खर्चा दिया जाएगा, 500 rupees विल बी पेड फॉर योर कमिंग एंड गोइंग, यू जस्ट कम एंड लिसन टू अस.
तब वो आए, उन्होंने देखा, समझा, ट्रेडिशन था ही, सबको पता ही था कि ये फ्रूट खाया जाता है ट्रेडिशनली, पता नहीं कितने हज़ारों साल से लोग खा रहे हैं इसे। तब ये धीरे धीरे ये सारा जो आज की डेट में आप देखते हैं लोगों को भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, वो उस दिन से शुरू हुआ। सो द ऑब्जेक्टिव कि आपको यहाँ ला के दिखाना है, इट्स नॉट सच अ सिंपल थिंग कि आजकल जो सोशल मीडिया और यूट्यूब और ये सब कुछ है ना, उसमें तो आप कुछ भी फिल्म करके कुछ भी डाल दो, और बॉटल में क्या डला है कुछ भी डल सकता है, अच्छी बॉटल नजर आ रही है, अंदर क्या है, आई एम क्वाइट श्योर ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कोई नहीं करता, मतलब जो जैसे मिला उसको पल्प किया और बोतल में भरा और बेच दिया। दिस प्रोसेस इज अ वेल डिफाइंड, थॉट आउट, टू एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड प्रोसेस, थैंकफुली विच आई एम सेइंग ओनली आई फॉलो। बायोसैट सीबकथॉर्न इज द बेस्ट एंड विल रिमेन द बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव एवरीबडी हियर। आप देखिए, अभी शाम को हम फिर से आपको वापस जब लेके जाएंगे, आपको कुछ और भी बातें बताएंगे इस एरिया के बारे में, और हम इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये आपके हेल्थ के लिए क्यों इतनी अच्छी चीज़ है। यू हैव टू मूव फ्रॉम ग्रे टू पिंक, दैट्स ऑल। एंड द रेस्ट विल फॉलो, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द पिंक ग्लो ऑफ हेल्थ, चीज़ों को आप एंजॉय नहीं कर सकते। जो मर्जी आप इकट्ठा कर लो, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। सो टेक अ गुड लुक अराउंड, आई विल टेक यू, यू वांट मी टू टेक यू थ्रू द जंगल, कम कम।